राजस्थान का सियासी रण इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियों की अपनी तैयारी और विधायक बनने की लालसा लिए नेताओं की दावेदारी दोनों ही माहौल में गर्मी बनाए हुए हैं। बीजेपी ने 41 लोगों की पहली सूची जारी की तो मानो तूफान सा उठ गया। आधी सीटों पर विरोध के सुर मुखर होने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि लिस्ट ला ही नहीं पा रही। हालांकि बीजेपी में लिस्ट फाइनल करने में शीर्ष नेताओं के बीच खींचतान नहीं है, लेकिन कांग्रेस में गहलोत और पायलट के अलग अलग खेमे की वजह से लिस्ट को फाइनल कर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेता 18 अक्टूबर तक पहली सूची जारी हो जाने की संभावना जता रहे हैं। इधर टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी है। प्रभारी अरुण सिंह का राजवी को मनाना, राजेंद्र राठौड़ को टोंक भेजा जाना, दिया कुमारी का बयान देकर भैरव सिंह शेखावत के प्रति सम्मान जाहिर करना, बाकी गुरुवार को भी बीजेपी कार्यालय पर पूर्व सीएम राजे समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं का जुटना, ये बताता है कि बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी गुरुवार को रखी गई, यानी कांग्रेस भी जल्द से जल्द अपनी सूची स्पष्ट कर देना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि सीईसी की बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी सीट बंटवारा किए जाने पर विचार किया जा रहा है, इसलिए लिस्ट आने में देरी की एक वजह ये भी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी अपने यहां मचे तूफान से कैसे निपटती है और कांग्रेस लिस्ट जारी करने के बाद तूफान ना मचे इस पर क्या रणनीति बनाकर चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।